मित्रों नमस्कार। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जैन दादा बाड़ी शाहगंज के बारे में जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनोगी। आप सामने देख रहे हैं यह वह स्थान है जहाँ पर हीर विजय सूरी जी महाराज ने आज से 450 साल पहले अकबर को प्रबोधन दिया और वह शाकाहारी बन गया। सामने ये 24 जनालय है जो गुजरात शैली में बनाया गया है। दूर दूर से यहाँ पर भक्त दर्शन के लिए आते हैं। आप देख रहे हैं ये सामने जैन दादावाड़ी का विहंगम दृश्य है। चारों ओर हरियाली है, स्तूप बने हुए हैं, मंदिर बने हुए, छतरियाँ बनी हुई हैं। अब आपको जो मुख्य बात है वो ये एक मूल नायक भगवान महावीर स्वामी जैन मंदिर है। अब हुआ क्या, इस मंदिर में दो मूर्तियाँ हैं, एक नीचे एक ऊपर। ऊपर की मूर्ति की पूजा चल रही थी, इसके बराबर से जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं इसमें नीचे तलघर में मूर्ति है वहाँ पूजा होती थी, लेकिन उसमें दृष्टिदोष था। दृष्टिदोष इसलिए कि मूर्ति की आँखों के सामने खुला स्थान नहीं था, तो इसको दृष्टिदोष दूर करने के लिए मूर्ति के सामने एक दीवार थी उसको तोड़ा गया। निर्माण कमेटी के संयोजक जैन सितंबर, मूर्ति पूजा श्री संघ के अध्यक्ष राजकुमार जैन, महेंद्र जैन आदि ने यह काम किया। वे यह देखकर भौचक रह गए कि मूर्ति के सामने तो पहले ही खुला स्थान है, इस स्थान को, इस जगह को किसी ने जबरन ढक दिया है। आप देख रहे हैं वह स्थान सामने है, वह मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। ये सामने आप जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर प्राचीन सीढ़ियाँ मिली हैं, वेदिका मिली है, वेदी जहाँ पर अन्य भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित किया था वेदी मिली है, ककैया ईंटों की दीवार मिली है, अन्य चीज़ें मिली हैं जो इसकी प्राचीनता को प्रमाणित करती हैं। बगल में वो सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर से इस तलघर के मंदिर के लिए आते हैं। मैं आपको वो सीढ़ियाँ दिखाता हूँ जो बाद में बनाई गई हैं। ये सीढ़ियाँ ऊपर की ओर जा रही हैं। इसके ठीक सामने ये दीपक अखंड ज्योति प्रज्वलित है। ये सीढ़ियों के ठीक सामने पड़ता है मंदिर की ओर मुड़ने से पहले। अखंड ज्योति यहाँ पर लगातार जल रही है। यहाँ पर दान पात्र भी रखा हुआ है। अब देखिए ये ऊपर की ओर सीढ़ियाँ जा रही हैं जहाँ से भक्त ऊपर से तलघर में मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की पूजा करने के लिए आते हैं। अब मैं एक बार फिर नीचे आ रहा हूँ तलघर की ओर। यह तलघर पर मूल नायक भगवान महावीर स्वामी की मूर्ति है। देखिए यहाँ पर ये एक मोखला है जो बाहर से प्रकाश यहाँ तक आने की व्यवस्था है। किस तरह, देखिए प्राचीन काल में किस तरह से मंदिर के तलघर में प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी उसका ये प्रमाण आप दे सकते हैं। यहाँ पर इस समय मंदिर, तलघर मंदिर जाने के लिए इसके नीचे तलघर है, यह वास्तव में 450 वर्ष प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में जाने का मूल मार्ग खोल दिया गया है। इसके साथ ही प्राचीन सीढ़िया और कवैया की दीवार मिली है, इसका पुनरुद्धार किया जाता है। सामने देखिए, आप बोलिए, आप बोलिए। इसके साथ ही मंदिर का दृष्टिकोण साधन रूप से जैन मंदिर दादाबाड़ी मुगलकालीन इतिहास के द्वार है। यह आचार संदेश दिया था। यहाँ 450 वर्ष पुराना महावीर स्वामी का मंदिर दादा गुरुदेव मंदिर है। यहाँ देवोपाधि गुरुदेव आचार्य राजेंद्र जी महाराज साहब और आचार्य राजशेखर जी महाराज साहब द्वारा स्थापित 14 जनालय है। मंदिर गुजराती कैंट में बनाया जा रहा है। साथ ही आधुनिक तलघर में मंदिर में श्रद्धालु जा रहे थे, लेकिन बाद में निर्मित के माध्यम
जैन धर्म के अनुसार मूर्ति के सामने स्थान खुला होना चाहिए। पलघर मंदिर में ऐसा नहीं था, मतलब दृष्टि दोषता या दृष्टि दोष ऊपर के मंदिर में भी था। इसे दूर करने के लिए जब दीवार हटाई गई तो पता चला कि इसे तो किसी ने जबरन बंद कर दिया था। ऐसा प्रतीत होता है कि प्राचीन मूर्ति को सुरक्षित रखने के लिए ऐसा किया गया है। यह तब किया होगा जब मुगल शासक औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने का अभियान शुरू किया था। मूर्ति के सामने दीवार बना दी गई, इस कारण यह सुरक्षित रहे। बाद में इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। यूं मानिए करीब 350 वर्ष बाद की यह मार्ग सुरक्षित बोला गया है। मंदिर तक जाने के लिए प्राचीन सीढ़ियां बनी हुई है, दीवारें कपैया ईटों की है जो मुगल काल में प्रयोग की जाती थी। इससे हमेशा मंदिर की प्राचीनता जित हो जाती है। श्रद्धालु 140 वर्ष प्राचीन मूलनायक मारू स्वामी का मंदिर में पूजा अर्चना करती है। इसके बाद तलघर मंदिर में जाती है। अब उन्हें तलघर मंदिर में सामने से ही प्रवेश मिलेगा। प्रवेश करते समय धर्म की प्रवाहना होगी। जैन धर्म से संबंधित कथाओं का चित्रण दोनों ओर की दीवार पर किया जाएगा। इन्हें देखकर चित्त शांत होगा। ऐसा प्रतीत होता है मूलनायक भगवान मारू स्वामी तलघर मंदिर में विराजमान है या वेदी भी है जिनमें अन्य भगवानों की मूर्तियां स्थापित की जाती है। कृष्ण मंदिर की प्राचीनता को यथावत बनाए रखने के लिए कृष्ण संकल्प है। अब आपके सवाल तो मेरी जवाब और कभी तक यहाँ पर जो ज्ञात के माध्यम से ही ये बता पाते थे कि ये मंदिर बहुत प्राचीन है। 500 साल पहले इस मंदिर की प्रतिष्ठा हुई थी और कोई ऐसे प्रमाण अभी तक हम नहीं दे पा रहे थे जो कि हमसे सभी मीडिया के माध्यम से पूछा जाता था, साथियों से पूछा जाता और पूरे देश के जितने भी हमारे संत लोग यहाँ आते थे तो वो भी इस बात की जानकारी लेना चाहते थे कि इसके अंदर 500 साल पुराना जो स्थापित मंदिर है तो इसकी एक ओरिजिनलिटी क्या है। जब हमने इसके अंदर इसके ऊपर एक बात करना शुरू किया तो जो जैन धर्म में सबसे बड़ी बात मानी हुई है कि कोई भी मंदिर जो भी देश के अंदर है तो उसकी जो नेत्र है दृष्टि है वो दोष नहीं होना चाहिए। इसका मतलब दृष्टि दोष का मतलब है नेत्रों को इस पर भगवान की जो भी आपने प्रतिष्ठा की है उसकी स्थाई आसमान मतलब आसमान से उसको नीचे तक क्लियर नेत्रों का एक एंगल होना चाहिए जो माना गया शास्त्रों के जो वास्तुकला भी इसी पर ही आधारित है। वास्तुकला के अंदर भी सबसे पहले कोई चीज मानी गई है तो वो मंदिरों से ही निकली वास्तुकला और मंदिरों के बाद ही आज हम उसको अपने घरों में या जिस तरीके से प्रतिष्ठानों पर मान रहे हैं। आज जो खुदाई के दौरान क्या कुछ खास मिला? जब यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पर यह सोच रहे थे कि इस मंदिर को थोड़ा जीर्णोद्धार कर दिया जाए क्योंकि इस मंदिर की बहुत सालों से इसका जीर्णोद्धार के ऊपर सभी राष्ट्र संत और समाज के जो भी वरिष्ठ लोग हैं इसके जीर्णोद्धार के ऊपर सबसे मन में था कि इसका जीर्णोद्धार हो पर लेकिन इतना प्राचीन होने के कारण सब चाहते थे कि इसकी प्राचीनता बची रहे। ये चैलेंज था अपने आप में बहुत बड़ा था कि प्राचीनता को भी बचाना था और इसके दोष को भी दूर करना था जो नेत्र दोष है उसको भी दूर करना था। बहुत प्रयास करने के बाद में क्या हो सकता है ईश्वरी की अपनी आपको यह इच्छा हुई होगी तो उन्होंने यहाँ पे प्रश्न किया समय हम जो भी साथी लोग काम कर रहे हैं उनके दिमाग में इस तरीके की बात या उनकी सोच में इस तरीके की चीज आई होगी तो उन्होंने सोचा कि इसका दृष्टि जो दूर नहीं कर पा रहे हैं उसको किया जाए। उसके लिए यहाँ पर एक पूरा प्रयास करके और सभी यहाँ पर बड़े बड़े आर्किटेक्चरों को भी बहुत में बीच में लिया गया और देखा गया कि इसकी किस तरीके से खुदाई की जा सकती है सेफ्टी से जो उसकी प्राचीनता भी बची है और इसके माध्यम से हम इसका जो दो वर्ष दूर करें। जब इसकी खुदाई करने का काम शुरू हुआ तो बहुत शुरू है अपने आप में गर्मी इतने प्राचीन मंदिर के अंदर कोई भी जब होता है तो दोष भी हो गया और जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे तरह तरह की विचित्र घटनाएं घटती गई और विचित्र घटनाएं सामने आई जिस तरीके से सबसे पहले जो चीज़ सोच कभी सोच भी नहीं सकते थे उसके अंदर बीच के अंदर जब हम जा रहे थे सुरंग के लिए माध्यम से 70 फुट की सुरंग बनाई गई है उसके माध्यम से हम वहाँ तक पहुँचे
और जब 70 बुद्धि उस सरोवर के माध्यम से अंदर तक पहुंचने के बाद 13 तो बीच के अंदर प्राची रास्ते पैदा होते थे, वो प्राची रास्ते बीच के अंदर आए। इस तरीके से ईश्वर के आगे जो भगवान के जो बनाए अभी तो भगवान विराजमान वेदी विराजमान की जाती है, उनका चित्रण उनके ऊपर ऐसे ऐसे विराजमान आगे बीच के अंदर आए। कई बार विचलित हुए, कई तरीके की समाज के अंदर कई लोगों को कई परेशानी भी महसूस हुई, और हिम्मत समाज के प्रश्न में और समाज के सभी व्यक्तियों में नहीं आई और आगे बढ़ते गए। और जो भी दुर्गाएँ थी ईश्वर की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, वो दूर हुई। और जो प्राची जिस तरीके का इतिहास नीचे देखने को मिला और जिस तरीके का इतिहास हमने नीचे देखा, तो ऐसा लगता है जो अभी आपको प्रेस रूप में भी है बताया गया कि जिस तरीके से उस समय जब ये मुगल काल के टाइम में और जिस समय ये मंदिरों को बचाने के लिए इस तरह प्रयास किए गए, हो सकता है उस समय पहले ये चीज ज़्यादा कोशिश की गई होगी कि मंदिर बचेंगे जो उसको फिर बाद में देखा जाए। पर समाज जैसे जैसे आगे बढ़ता किसी भी चीज़ें हमारा व्यक्ति नेचर होता है इंसान भूलता, हम क्या इन चीज़ों को भूल गए कि हम तो आज़ाद हुए थे 70 साल पहले और 100 साल पहले, देश आज़ाद हो गया मोगल से भी अंग्रेजों से भी सबसे आज़ाद हो गया, पर हमने ये कभी नहीं सोचा कि हमारे ईश्वर जो खुद कह रहे हैं जिनके नेत्र कह रहे हैं जिनकी दृष्टि कह रहे हैं उसको किस तरीके से दृष्टि को आसमान में इसका ही लक्ष्य लाया जाए जिससे ही समाज का विस्तार विकास हो, देश का विकास हो और शहर का विकास हो। क्या अपने आप में बहुत प्राचीन जगह ऊपर के मंदिर का आवश्यकता नहीं रही कोई मंदिर ऊपर का जिस समय बताते हैं कि ये ऊपर का जो मंदिर था ये भी दृष्टि में ही दोस्तों का मैं वही बता रहा हूँ आपको जिस तरीके से उनका जो प्रयास हुआ मंदिर के दोस्त का, तो वो इस तरीके से हुआ कि जब मंदिर ऊपर का बना तो नीचे की चीजों की व्यक्तता कम हो गई। हमने हर समय देखा है कि जब नई चीजें हमारे सामने आती हैं, नए मंदिर जब बनते हैं, नए जब विकास होते हैं, तो हम आश्रम में विचार है कि पुरानी चीज़ों को भूलते चले जाते हैं। हम उनको भूल गए, भूलने लगे हमारा नेचर का और हम आगे की चीज़ों के ऊपर उस पर चले गए। जब भी प्रोडक्ट विभाग या कोई भी विभाग होगा प्राचीन चीज़ों को जब वो सही करते हैं तो उन्हें सालों रखते हैं उस प्राचीन चीज़ को सही करने के लिए और उसको रिपेयर करने के लिए, वो भी रिपेयर था ऊपर की दृष्टि को दूर करने के साथ साथ नीचे का जो मूर्ति था भगवान महादेव की प्रतिमा वो राजा संपत्ति के टाइम की है, तो मूर्ति जो आपने नीचे देखी राजा संपत्ति के हाथ में दृष्टि कर रही थी उसका दृष्टि को जो दूर करने के लिए हम लोगों ने विचार किया तो सोचा कैसे दूर करें तो खुदाई करी गई थी तो वह प्राचीन जीने निकले। तो इस बात को दर्शाते हैं कि ये बहुत प्राचीन मंदिर रहा होगा और मुगलों से बचाने के लिए इसको बंद कर दिया गया। जैसे आपने आमतौर से देखा होगा तमाम जैन बुद्धि फतेहपुर से गिरी मुगलों से बचाना हो तो दो रास्ते पीछे से रास्ता है वहाँ से भी वो रास्ता इस मंदिर को जाते हैं। वो रास्ता बाद में बनाया गया होगा जब ये मंदिर 140 साल पहले ये मंदिर बना था ऊपर का, तब उस मंदिर को शायद नीचे जाने के लिए उसने बनाई गई हाँ नहीं बचाने के लिए नहीं, उस समय तो मुगल अंग्रेजों का शासन था उस समय नीचे जाने के लिए दर्शन मात्र के लिए उन्होंने वो सीढ़ी बनाई गई होंगे हमारे पूर्वजों ने, लेकिन जो मूल रास्ता था जो अब खुदाई में मिला है उसकी जानकारी नहीं थी। मुगलों में टाइम भी दबा दिया गया था, वहाँ आज प्राचीन वेदी भी निकली है, सीढ़ियाँ भी निकली हैं जिस बात को दर्शाती हैं कि हमारा मंदिर काफ़ी कई सौ साल पुराना। क्या आपको नहीं लगता कुछ पुरानी जगह है प्राचीन जगह अगर और भी खुदाई की जाए तो और भी प्राचीन चीज़ें मिल सकती संभव? देखिए इसके लिए हमारा ट्रस्ट विचार करेगा और उसके लिए बाकायदे परमिशन दी जाएगी क्योंकि आपको मालूम पुरानी खुदाई करने के लिए पुरातत्व की परमिशन की जरूरत होती है। अगर ऐसा जरूर समझा जाएगा तो उसके लिए प्रयास करें। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम अपनी आवाज़ को अपनी बात को जन जन तक पहुँचा सकें और जैसा कि मेरे पूर्व ट्रस्टियों ने बताया ये एक ऐतिहासिक मंदिर है और यहाँ पर बहुत सा इतिहास है जिसकी कि उन्होंने पूरी विस्तृत रूप से आपसे चर्चा की है और आपको दिखाया भी है और दृष्टि के माध्यम से आम जनता भी इस बात से बड़ी अवगत हो जाएगी कि वास्तविकता में यह 450 साल पुराना मंदिर है।
मैं महेंद्र जैन जॉइंट सेक्रेटरी श्री वर्धमान महावीर स्वामी ट्रस्ट आगरा, जिसके अंतर्गत यह पूरा शाहगंज का मंदिर स्थित है, उसकी ओर से पुनः आप सभी को धन्यवाद।